देखो नेवी बेटा, कितना अच्छा और कितना बड़ा स्कूल है ना? मुझे नहीं जाना। अरे बेटा इतना अच्छा है, तुम्हारा मन लगेगा यहाँ पे। बेटा चलो। पापा प्लीज, मुझे नहीं जाना पापा प्लीज। व्हाट इज दिस? बेटा इतना अपसेट क्यों हो तुम? हाँ देखो, तुम नया स्कूल ज्वाइन करने वाली हो, कितने अच्छे दोस्त बनेंगे तुम्हारे, बहुत मजा आएगा। कम लेट्स गो। आ जाओ। वेलकम टू योर न्यू स्कूल निवेदिता। अन्नू मैम आपकी मैट्रन और इंचार्ज होंगी। अबू प्लीज मुझे नहीं जाना, आपको छोड़कर अबू प्लीज। निवी बेटा, आपने बोला था ना, आप ब्रेव गर्ल हो, कम ऑन, ऐसी बातें नहीं करते हैं, आप से मिलने के लिए आते रहेंगे ना। घबराइए मत निवेदिता, यहाँ आपको बहुत सारे नए फ्रेंड्स मिलेंगे, कुछ ही दिनों में आप तो अपनी डैडी को भी भूल जाएंगी। प्लीज पापा मुझे नहीं जाना प्लीज। अरे नहीं बेटा, ऐसे मत सोचो। निवेदिता प्लीज, अब तुम्हें जाना चाहिए, जाओ डॉर्मेटरी में, वहाँ अनु मैम मिल जाएंगी तुम्हें। जाओ बेटा। डोंट वरी मिस्टर भार्गव, दिस इज नॉर्मल, कुछ ही दिनों में निवेदिता एडजस्ट हो ही जाएगी। Yes, ma'am. तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस तरफ स्टूडेंट्स का आना मना है। ओके। बाय द वे, मैं अनु मिसू, तुम्हारी नई मेट्रिन। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मेरे पास आ सकती हो। एंड नाउ टाइम फॉर सम रूल्स जो तुम्हें फॉलो करने जरूरी हैं। सबसे पहले तो तुम्हारे बाल बांधो, स्कूल में इस तरह बाल खोला छोड़ के घूमना मना है। Okay. Especially शाम को और जब भी तुम इस पेड़ के आसपास हो। ओके चलो मैं तुम्हें डोमेट्री दिखा देती हूँ। ओके स्कूल और हॉस्टल के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं तुम्हें बाद में डॉर्म में समझा दूंगी। फिलहाल तुम अपना बेड फिक्स करो और ठीक 8 बजे डिनर के लिए बाकी लड़कियों के साथ में डॉर्म में आ जाना। और हाँ एक और बात, गर्म पानी का टाइमिंग है 6:30 से 8:30 और शाम को 4 से 7। और ये रहा तुम्हारा बैग। आई सी यू लेटर। ये मेरा बेड है, चलो। देखो तुम नया स्कूल ज्वाइन करने वाली हो, तो वहां तुम्हें नए नए दोस्त मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। हे चेतना, कैच इट।
हे लूजर, कैच। एक कैच करना भी नहीं आता, अब उठाने के लिए बोलना पड़ेगा। चलो उठाओ। हे, उठाने किसने बोला? पहले नील डाउन करो, चलो चलो, और अपना नाक जमीन पर रब करो, कम ऑन। लगता है इसकी नाक लंबी करनी पड़ेगी, तभी जमीन तक पहुंच पाएगी। ओके ओके, जस्ट वेट। चलो गिव मी द पेस्ट। कम ऑन गर्ल्स, फॉलो मी। मुझे हॉस्टल के अंदर जाना चाहिए। मॉर्निंग, मैं आलिया, तुम्हारी नई क्लासमेट। तुम निवेदिता हो? हाँ, हेलो। बाथरूम में मैंने तुम्हारे लिए गर्म पानी रख दिया है,
तुम्हें कैसे पता कि मैंने गर्म पानी नहीं भरा? मेरी नजर तुम पर हमेशा रहती है। अगर तुम देर से उठोगी तो तुम गर्म पानी कैसे भरोगी? अब थैंक्स, मैं आती हूँ। ओ, महारानी आप उठ रही है। तुलिका, जरा मेरा फाइलर तो लेकर आना। क्या हुआ सुलेखा? What happened? तुम्हारा हाथ तो ठीक है? हाँ, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। पर तुम्हारे हाथ में चोट तो लगी नहीं है। लेकिन तुम्हारा हाथ ड्रॉर में आया कैसे? ड्रॉर तो खुला है। क्या पता? ब्रेकफास्ट के लिए चले? हाँ। आलिया, तुम्हारे गर्दन पे चोट कैसे लगी? चेतना ने कुछ किया? नहीं, अपने आप लगी। अच्छा, चलो मैं तुम्हें मेडिकल रूम लेके चलती हूँ। ये किससे बात कर रही है? नो थैंक्स निवी। सब लड़कियां हमें देख के इतना हंस क्यों रही है? यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग पागल है, तो इन्हें इग्नोर करो। अबे दीप्ति, पकड़ पकड़। क्या करे, मेरे को उड़ा दिए। Strange. गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। अपनी अपनी बुक्स निकालो। क्या हुआ?
मिस से कंपास अपने आप मेरे हाथ को प्रिक कर रहा था। मिस मैं सच कह रही हूँ, मुझे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, तो तुम्हारा एक हाथ तुम्हारे दूसरे हाथ को अटैक कर रहा था। कहानी बनाना बंद करो चेतना। लेकिन मिस मैं सच कह रही हूँ। चेतना क्लास के बाहर जाओ। अच्छा हुआ तुमने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। Yes, she's a very bad girl. ये चुहिया किससे बातें कर रही है? She's gone mad. Thank you.
What's wrong, girls? तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मिस, मेरे बाल निवेदिता ने जला दिए। मैम, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये झूठ बोल रही है। निवेदिता, तुम उधर रुको। केतना, calm down, okay? जाओ, अपने बाल ठीक करो। आलिया, तुम कहाँ थी इतनी देर से? पता है? केतना झूठ बोल रही है मैम को कि मैंने उसके बाल जलाए। मैंने नहीं जलाए उसके बाल। मैंने उसके बाल जलाए। क्या? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? वो लोग तुम्हें रात को परेशान कर रहे थे। चेतना तुम्हारे बाल जलाने वाली थी। एंड तुम लोग जाओ ब्रेकफास्ट करो। I'll see you there. आलिया रुको। अरे आलिया। मैम, आई प्रॉमिस मैंने चेतना के बाल नहीं जलाए। प्लीज बिलीव मी। ये सब कुछ आलिया ने किया है। आलिया? कौन आलिया? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी क्लास की पार्टनर भी। किस आलिया के बारे में बात कर रही हो? इस जगह पर कोई भी आलिया नाम की लड़की नहीं है। अरे मैम, अभी वो इधर ही बैठी थी। एकदम मेरे जैसी हाइट है उसकी, मुझसे भी ज्यादा गोरी है और उसके गले पे ना किसी चोट का मार्क भी है। I don't get this, Nivedita. आलियाम की कोई लड़की नहीं यहाँ पे, okay? Anyways, मुझे इस इंसिडेंट के बारे में प्रिंसिपल मैम को बताना पड़ेगा। तो तुम भी 10 मिनट में प्रिंसिपल मैम के कैबिन के बाहर आ जाओ, okay? Yes, ma'am. उसको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। उन्हें तो तुम याद भी नहीं हो। मुझे पता था कि सब मुझे भूल चुके हैं, पर अब मैं इन सबको याद दिला दूंगी। तुम डरना मत निवी, मैं किसी को भी तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगी। आलिया, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद किसी को भी कभी भी परेशान नहीं करोगी। ये कैसे हो सकता है? निवी किससे बात कर रही थी? और ये आलिया कौन है? अरे मैम, अभी वो इधर ही बैठी थी। एकदम मेरे जैसी हाइट है उसकी, मुझसे भी ज्यादा गोरी है और उसके गले पे ना किसी चोट का मार्क भी है। निवेदिता झूठ तो नहीं बोल रही, लेकिन वो उन लड़कियों में से नहीं है जो झूठ बोलेगी। She's quite naive and quite innocent. वो सच बोल रही है? मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा इससे पहले कि मैं प्रिंसिपल मैम को इस इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट करूं। लेकिन कैसे? हाँ, मुझे आलिया नाम की लड़की के पास सारे रिकॉर्ड्स चेक करने होंगे। एंड देन आई कैन। यस, खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो ना? इंग्लिश फिल्म्स देख के माइंड गेम्स खेलने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आज मैं तुम्हें बताती हूँ माइंड गेम्स कैसे खेलते हैं। चेतना, मैंने कुछ भी नहीं किया, आई प्रॉमिस। ओह रियली? तो भूत ना आकर मेरे ये बाल जलाए, आज तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ ही दूंगी। नहीं, नहीं, छोड़ो। तुम्हें
नो, ये पुरानी फाइल्स। आलिया, आलिया रघुवंशी। ये दरवाजे को क्या हो रहा है? ये आवाजें कौन है? कौन है? सामने आओ। आलिया, ये आवाज तो डॉर्मेट्री से आ रही है। क्या हुआ? निवेदिता, मुझे प्रिंसिपल मैम से बात करनी पड़ेगी। ओके, आलिया के बारे में पता लगाना पड़ेगा। आई थिंक मुझे आलिया याद है। कुछ 10 साल पहले उसने बाहर वाले बड़े पेड़ से लटककर सुसाइड कमिट कर लिया था। एक्चुअली आलिया बहुत ही शांत मासूम सी लड़की थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी वो, हमेशा किताबों में ही उलझी रहती थी। इसीलिए कुछ सीनियर्स, इवन उसके बैचमेट्स, उसकी बहुत रैगिंग करते थे। बहुत रोती थी वो। मैंने बहुत बार सीनियर्स को वार्न किया पर कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन पानी सर से ऊपर चला गया। कुछ गर्ल्स ने उसे उस बेंच पे बांध दिया।
और उसे वहीं पे छोड़ दिया। पूरी रात वो रोती रही। शायद आखिर में अपने आप से हार कर वो उसी पेड़ से लटक कर सुसाइड कर ली। हमने बहुत कोशिश की कि उस पेंच को वहां से हटा दिया जाए या फिर उस पेड़ को काट कर फेंकने की, पर हमारी सारी कोशिशें नाकाम रही। ऐसा लगता है जैसे कि उस दिन से उसकी आत्मा उस पेड़ को छोड़कर गई ही नहीं। के बाद तो और दो तीन लड़कियों ने वैसे ही सुसाइड कर लिया। लेकिन आपने कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि मैनेजमेंट नहीं चाहती थी कि किसी तरह स्कूल की कोई भी नेगेटिव पब्लिसिटी हो, इसीलिए इस बात को दबा दिया गया। मैनेजमेंट अब भी नहीं चाहती है कि इस चेतना की केस को बढ़ाया जाए। लेकिन मैम, मुझे निवेदिता की चिंता है। डोंट वरी अबाउट हर, आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड हर डैड, वो कुछ ही समय में आ रहे हैं। पर मैम प्लीज, आप प्लीज अनु, आई डोंट वांट एनी आर्गुमेंट। मुझे मैनेजमेंट को अपसेट नहीं करना है। ये बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। आलिया की आत्मा ने निवेदिता से दोस्ती कर ली है और अब मुझे किसी भी हाल में निवेदिता को उससे दूर करना ही होगा। आई हैव टू कॉल गुरुजी। हेलो हेलो गुरुजी, नमस्ते गुरुजी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जी क्या हुआ निवि? तुम जाओ यहां से, तुम मेरी दोस्त नहीं हो, तुम बैड गर्ल हो। तुम्हारी वजह से मुझे पनिशमेंट मिलेगी। मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड माना, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हें सबसे बचाया और तुम मुझे भूल रही हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। जय हो बजरंगबली, कल्याण करो प्रभु। वो बुरी शक्ति इस वक्त भी हमारे आसपास मौजूद है और उससे एक नादान बच्ची की जान को खतरा भी है।
उस खतरे को हमें जल्द से जल्द टालना होगा और इसमें आपको हमारी मदद करनी होगी। जी गुरुजी। ये पेड़ देख रही हैं आप, सारी परेशानियों की जड़ यही है। मुझे इसके नीचे बैठकर जप करना होगा अभी। हरिओम 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 हरिओम। हे भगवान, निवेदिता की रक्षा करना। जैसे ही वो बुरी आत्मा आसपास आएगी, ये नींबू अपना रंग बदल देगा और ये काला हो जाएगा। आप इस पर ध्यान रखिएगा। जय हो बजरंगबली, जय हो, जय हो, जय हो। जी गुरुजी। बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तुम लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मोचन एवं छाजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणीयति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीव श्री रघुवीर हर सिर लाए, रघुपति की नी बहुत बढ़ाई। रघुपति की नी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस वदन तुम रो यश गावे, असके श्रीपति कंठ लगावे। शंका दिख ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, जय हनुमान। बहुत ही प्रबल शक्ति है। उस बच्ची ने आत्महत्या कहाँ की थी? वो उधर बेंच पे। आइए। हमारे पास अब सिर्फ एक उपाय है, आइए। मैं अनु मैम को बुलाकर लाती हूँ।
दुष्ट आत्मा, तुम उस बच्ची के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? क्या चाहती हो तुम, बोलो। मैं बुरी नहीं हूँ, बुरा मेरे साथ हुआ था। मैं तो बस नीमी की मदद करना चाहती थी। सब उसे परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे, जैसे सब मुझे करते थे। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी और हम अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन हर बार की तरह ये मेट्रन बीच में आ गई। लेकिन अपनी फ्रेंड को जाने नहीं दूंगी, उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे उसे मारना पड़े। ये लेकिन तुम ठीक नहीं कर रही हो, ऐसा करके तुम्हारी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती है। मैं तुम्हें मुक्ति दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम एक वादा करो कि तुम निवेदिता को छोड़ दोगे। तुम वादा करो कि निवेदिता को तुम छोड़ दोगी। हे बजरंगबली, इस बच्ची की आत्मा को शांति प्रदान करो और अनु, हनुमान जी की इस प्रतिमा को यहीं रहने देना। और आपकी बच्ची कहाँ है? निवी,